प्यारे पाकिस्तान, आज हम आपको मूस के ऊपर चॉकलेट पेंट किसे कैसे की जाती है वो हम बताएंगे। ये काम वर्ल्ड में तो हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। अब हम इसको पाकिस्तान में भी लेके आ गए हैं और ये हर जगह हम इस काम को करेंगे और हमारे पास इसके ये मोल्ड वगैरह भी आ गए हैं और मज़ीद और ज़्यादा भी आ रहे हैं इससे ज़्यादा। ये आज हम यही जो हैं केक जो हैं इनके ऊपर ऊपर चॉकलेट की स्प्रे करके वो दिखाएंगे, जिसमें हमने ये चॉकलेट के अंदर कलर मिला ले हैं पूरे, यानी जो हम अपने तरीके से जो बनाया है वो बना लिया है इसको। ये मशीन है स्प्रे के लिए और इसके अलावा भी मशीनें और भी होती हैं। ये मोल्ड हैं हमारे पास पड़े हुए, ये भी इनके अंदर किस तरह से मूस को डाला जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, फिर कलर कैसे करते हैं, उसकी डेकोर कैसे करते हैं, ये पूरा हम आज आपको बताएंगे। आप मूस जो भी आप रिंग के अंदर अगर मूस बनाते हैं, किसी तरह का भी मूस बनाते हैं, उसके ऊपर चॉकलेट का कलर करेंगे तो कोई इशू नहीं है कि ज़रूरी है ये, लेकिन इसका ज़रूरी इसलिए है कि खूबसूरती इन्हीं में आती है ज़्यादा। तो वैसे आप आम मूस के ऊपर भी वो कर सकते हैं सारा काम। तो ये मैं खोल के भी दिखाता हूँ, जैसा कि ये एक हार्ड शेप में बना हुआ है, हार्ड है, तो ये हम इसको करेंगे तो पूरा हार्ड की शक्ल ये इख्तियार करेगा। और ये देखिए ये इस किस्म का मोल्ड है और इसके अंदर ये जो है ये डिज़ाइनिंग आएगी, ये ऐसे रख के हम इसको भरेंगे, यानी इसका तरीकाकार हम आपको सारा समझा देते हैं अभी, जिनकी हम आज वीडियो बना देंगे और सारा काम दिखा देंगे कि किस तरह से किया जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये, इसके अलावा बहुत सारी अशकाल हैं हमारे पास, बहुत सारी शक्लें हैं जो हम आपको दिखाएंगे और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करने वाले हैं हम लोग चंद दिनों में, तो उसमें हम आप लोगों को बुलाएंगे बहुत ज़्यादा लोगों को और ये पूरा काम हम करके दिखाएंगे सारा जी। ये मूस हमने भरा हुआ है, इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसकी कोई रेसिपी अलग है, आप जो भी रेसिपी जानते हैं उसी रेसिपी से बनाएं और बना के इसमें भरें और इसको ठंडा करें। जी ये निकल आया इसमें से, ये रबड़ है जो इसके अंदर लगी हुई थी, ये वापस इसके अंदर। जी ये दूसरा डिजाइन है, अब ये इसके ऊपर जो है चॉकलेट कलर करेंगे पूरा। जी प्यारे सामेईन नाजरीन, हमने ये चॉकलेट कलर कर दिया इस पर और अभी हम इसकी थोड़ी बहुत डिकोर करके और उसके बाद जो है वो सारा काम दिखाएंगे हम। जी प्यारे सामेईन नाजरीन, प्यारे नाजरीन, ये अभी थोड़ा सा किया है कि थोड़ा देखने के लिए और इसके बाद हम बहुत बड़ी एक क्लास हो रही है वहाँ पे, ये सब काम जो है करके दिखाया जाएगा अच्छे से अच्छा और तरीके का भी बहुत सारा। तो अभी ये थोड़ा सा हमने दिखाया, हमारे ये मोल्ड वगैरह आ रहे हैं सब, बल्कि आ चुके हैं सब कुछ, तो अनकरीब हम ये क्लास करने वाले हैं। तो अभी फिर हम मिल्कीज़ फूड की तरफ से आपके पास पहुँचेंगे कोई नई रेसिपीज़ लेके, नई शक्लें लेके, नया काम लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।